हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज हम बात करेंगे एचआईवी के बारे में। एआरटी सेंटर कहां कहां पर उपलब्ध है? जो लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं और अगर उन्होंने अपनी जांच कराई है तो उनके लिए नया अपडेट ये है कि आज के समय में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो अपने नियरेस्ट मंडल के जिला अस्पताल में संपर्क करें। वहाँ पर एआरटी सेंटर बन गए हैं और ये हर जगह उपलब्ध है मंडल के जिला अस्पताल में, और वहाँ पर वो अपनी एआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। एआरटी को बोलते हैं एंटी रिट्रोवल थेरेपी। ये एक ट्रीटमेंट है एचआईवी का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप अवेल कर सकते हैं। पहले ये मानक अलग था, पहले ये एआरटी सेंटर्स यानी दवा के जो सेंटर है वो हर मंडल स्तर पर अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। कहीं कहीं पे तो एक एक स्टेट में दो जगह हुआ करते थे या फिर एक जगह हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ये हर मंडल स्तर पर उपलब्ध है। तो अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और आपको दवा नहीं मिली है तो आपको अपने नियरेस्ट मंडल के जिला अस्पताल में संपर्क करना है। वहां पर आईसीडीसी भी अवेलेबल होगा, वहां पर एआरटी सेंटर भी अवेलेबल होगा। आपको सीधा वहां जाना है और वहां पर से ये दवा अपनी स्टार्ट करनी है। पहले इसका मानक ये था कि 350 से कम जब आपका CD4 काउंट रहता है तब आप इस दवा को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे ही अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी एआरटी उसके पॉजिटिव आने के रिजल्ट के बाद ही शुरू कर दी जाती है। तो इसलिए अब आपको दवा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में, मंडल स्तर के जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनमें उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं, वहां से ये दवा ले सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया था कि मेरा CD4 अगर 16 के अराउंड है या मेरा CD4 अगर 100 के अराउंड है तो क्या मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स इनरोल्ड हैं उनमें किसी का CD4 तो 10 के अराउंड भी आ जाता है, 10 से कम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कोप अप कर जाते हैं। तो उसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप लंबे समय तक भूखे ना रहें, सुबह को अच्छा ब्रेकफास्ट करें। मोस्टली ये होता है कि जब आप काम पर जाते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो सुबह में जल्दी जल्दी में आप हल्का ब्रेकफास्ट लेते हैं जिसमें ब्रेड, फैन, पापे, बिस्किट वगैरह, तो ये आप ना लें, बल्कि रोटी, सब्जी, दाल से सुबह का ब्रेकफास्ट करें और फिर दोपहर का लंच समय पे लें और रात का खाना भी समय पे खाएं, और बीच में अगर कुछ मिलता है तो उसको भी जरूर खाएं। तो इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। खाने से ही आपको एनर्जी मिलेगी और उससे ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, लेकिन बेसिकली खाने में ही लापरवाही सबसे ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये करें कि दिन में भूखे बिल्कुल ना रहें, समय पर खाना लें, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और जो CD4 है वो भी ऊपर आ जाएगा। खाने पीने और डाइट में ही अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपका CD4 काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर अभी तक आपने एआरटी सेंटर पर कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो अपने नियरेस्ट जो मंडल का जिला अस्पताल है उसमें जरूर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ के एआरटी सेंटर में अपना एनरोलमेंट कराएं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि अगर हम एचआईवी पॉजिटिव हैं और हम शादी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, क्या हम कर सकते हैं? तो एक स्कीम के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एआरटी सेंटर जहाँ से आप एचआईवी की दवा लेंगे वहाँ पर आप अपना नाम एनरोल करा सकते हैं, और आप ही जैसे जो दूसरे लोग वहाँ पर आते हैं तो अगर कोई मैच आप जैसा मिल रहा है वहाँ पर तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। यानी एआरटी सेंटर पे जब आप अपना एनरोलमेंट कराएंगे तो वहाँ पर जो दूसरे लोग भी आते हैं वो भी अगर अपना मैरिज के लिए एनरोलमेंट कराते हैं तो जो बेस्ट वहाँ पर ऑप्शंस एक दूसरे के लिए होते हैं वो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करवा देते हैं और वहाँ पर आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन एआरटी सेंटर पर अवेलेबल है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं वहाँ पर से। और जो आपका ये सवाल था कि एआरटी सेंटर पर हम कहां पहुंचे या फिर कहां से हमें ये अवेलेबल होगी, क्या हम इसे बाहर से खरीदें, तो इन सारी चीज़ों को मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट इंक्लूड कर लिया है और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हो, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आप हमारी फैमिली में शामिल हों। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।